घर घर सांप दिखाने जा रहे सपेरे से कहकर गले में सांप डलवाना एक युवक को भारी पड़ गया। जी हां, जैसे ही युवक ने सांप को हाथ से पकड़कर गले में डालने की कोशिश की, वैसे ही सांप ने उसे डस लिया। सांप के डसते ही युवक की हालत गंभीर होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। छतरपुर में लोधी रोड पर सावन महीने में मंदिर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण चल रहा है। इसी दौरान एक सपेरा सांप लिए घर घर जा रहा था, तभी युवक अंशुल शुक्ला ने सपेरे से सांप को गले में डालने के लिए बोला। जैसे ही सपेरे ने युवक के गले में सांप डाला, वैसे ही सांप ने अंशु को हाथ में डस लिया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सपेरे ने एक दिन पहले ही सांप को पकड़ा था और उसका जहर भी नहीं निकाला था। आए थे तो दरवाजे पे सपेरा लेकर के सांप को उन्होंने गले में डलवाया, गले में डलवा जैसे निकाला तो उसको सांप ने काट खाया, हाथ में काटा जी। हम है प्रतापपुरा के लिए रहते, देवी रोड पर है, अच्छा। प्रतापपुरा के राजनगर का तहसील है। गले में सांप डलवाया तो उसने सांप ने काट खाया, तो सांप वाले से पूछा तो वो लेके अभी पकड़ा है, कल पकड़ा है हम लोगों ने, तो और कोई वैसी दिक्कत नहीं है। हाँ, हम अगले मंदिर में बढ़ रहे हैं शंकर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।